ओके, तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो उसी से रिलेटेड टॉपिक है। एक एक मिनट जरा सा, एक मिनट। ओके गाइस, सो डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद एग्जांपल्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था और कितने तरह के होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग करने वाले हैं डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे या क्या क्या उसके डिटरमिनेंट्स हैं विद एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, फिर से वही बात बोली गई है कि पीडी का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस हो रहा है, उस चेंजेस के बदले में, उस चेंजेस के कारण उसके डिमांड में कितना चेंज हो रहा है वो हम उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसके डिमांड की इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, एंड दीज डिटरमिनेंट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग। एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। मान लो किसी चीज का अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उस चीज के प्राइसेस में कितनी भी चेंज क्यों ना हो जाए आपको वो लेना ही है। ठीक है, जैसे मान लो कॉफी और चाय की मैं हमेशा बात करता हूँ, मान लो दोनों में से कोई एक चीज ही हमारे पास होता पीने के लिए, चाय या फिर कॉफी। मान लो कॉफी ही होता, कॉफी अभी महंगा है। अब अभी अगर आप उसकी प्राइसेस बढ़ा भी देते हैं तो भी आप उसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, है ना। तो जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है किसी चीज का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, एज ए रोल प्ले करता है जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, सो इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर रेडिली अवेलेबल, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है किसी भी प्रोडक्ट का, अगर वो अवेलेबल है और रेडिली अवेलेबल है, तैयार है पूरी तरह से, डिमांड टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक। डिमांड जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा इलास्टिक होगा, सॉरी नॉट रियलिस्टिक, इलास्टिक होगा। ठीक है, कंज्यूमर्स कैन इजिली स्विच टू ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स इफ द प्राइस ऑफ द करंट प्रोडक्ट इंक्रीजेस। कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट में स्विच कर सकते हैं कभी भी जब किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस में मतलब बढ़ने प्राइस ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे चाय का प्राइस जनरली कम होता है पर कुछ कुछ चाय की प्राइसेस बहुत ज्यादा है। सपोज उस जो पर्टिकुलर चाय आप पीते हैं उसकी प्राइसेस अगर ज्यादा बढ़ जाए, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप कॉफी पीने लगेंगे, कॉफी की प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाएंगी तो चाय पीने लगेंगे, है ना। आप सब्स्टिट्यूट में तुरंत स्विच कर जा रहे हैं क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइसेस ऑफ वन ब्रांड ऑफ कोला इंक्रीजेस, अगर कोला के किसी एक ब्रांड का अगर प्राइस बढ़ जाए, कंज्यूमर कैन स्विच टू अनदर ब्रांड। कंज्यूमर क्या करेंगे, कुछ और ले लेंगे उसके बदले, है ना। जैसे मैंने बताया था कि दुनिया में दो ही कंपनी है, दो नहीं है और भी है, पर जो दो मेजर कंपनीज है पेप्सी और कोको कोला, एक माजा बनाता है दूसरा स्लाइस बना देता है। तो अगर सपोज माजा की प्राइस बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, आप स्लाइस पी लेंगे, है ना, या स्प्राइट की प्राइस बढ़ गई तो आप सेवन अप पी लेंगे, क्योंकि इन सब का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट एक बड़ा जो है एक फैक्टर है। दूसरा है नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज, तो ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर। जैसे मैंने बताया कि नेसेसिटी जो चीज होगी उसकी प्राइसेस कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए वो आपको लेनी है। और लग्जरी क्या हो गया, लग्जरी आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा आपको लग रहे हैं तो लग्जरी वाला सामान आप हो सकते हैं कि स्किप कर देंगे, चलो बाद में लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसकी प्राइसेस कम जाती है तो आप उसको खरीद लेते हैं, है ना। सो नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नेसेसिटी टेंड टू हैव इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, नेसेसिटी, हालांकि यहाँ पे चावल दाल आटा की बात की जा रही है जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं, तो उसकी प्राइसेस अगर किसी भी तरह से घट जाए, है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा खरीद लेंगे, कम खरीदेंगे या बराबर ही खरीदेंगे, क्योंकि वो तो आपका डेली का सामान है, वो ज्यादा, ये जो है इलास्टिक डिमांड में आएगा। ये जो हमारा पॉइंट था ना, प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नेसेसिटी वाला चेंज, जब कोई प्राइसेस में जब किसी तरह का घटाव हो रहा है, जब प्राइसेस का घट रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है ना, वो चीज है। रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस चेंज, नेसेसिटीज टेंड टू हैव इन इलास्टिक डिमांड बिकॉज कंज्यूमर्स मे मस्ट बाय देम रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज। प्राइस चेंज कुछ भी हो ना हो, आपको वो खरीदना ही है, वो आप खरीदोगे ही। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन इंक्रीजेस, कंज्यूमर्स मे कंटिन्यू टू बाय द बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर देयर हेल्थ, है ना। किसी भी दवा की प्राइस अगर बढ़ गई तो भी आप उसको खरीदेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, सही है ना।
और लग्जरी गुड्स की अगर बात करें ऑन द अदर हैंड ऑफन हैव इलास्टिक डिमांड, बहुत बार जो है इसमें इलास्टिक डिमांड देखने को मिलता है, जब प्राइसेस घटती हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे गोल्ड की बात कर लो, गोल्ड की प्राइसेस जब घटती हैं तो लोग गोल्ड लेना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट एसेंशियल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी एज इन वो लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट आपको मिलता है। इफ द प्राइस ऑफ लग्जरी कार्स राइजेस सिग्निफिकेंटली, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप उसको खरीदेंगे क्या? तो आप नहीं खरीदेंगे, आप डिले कर देंगे कि चलो पैसा वैसा आ जाएगा उसके बाद खरीदेंगे। लेकिन उन्हीं लग्जरी कार्स की प्राइसेस अगर घट जाए, जैसे कि एप्पल का फोन का प्राइस अगर विद इन 30 या 50 आ जाए, सारे लोग एप्पल ही खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी बहुत मार्केट हुई है अभी आईफोन 15 को लेकर के पूरे वर्ल्ड वाइड, बट अगर और ज्यादा कम जाए तो पता नहीं मार्केट में क्या होगा। ठीक है, सो नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी ये एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, आप कितना खर्च करना पसंद करते हैं या आप कितना खर्च करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खर्चीले व्यक्ति नहीं है तो फिर आपका जो है ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन अ गुड अफेक्ट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, आपका जो इनकम है, अगर इनकम बहुत ज्यादा होगी तो कई बार खर्च भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा है तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर बदलाव होगा। ठीक है, जो चीज आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लेकिन आपकी सैलरी इतनी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें बदलाव होंगे ना, राइट? सो जो इनकम है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर, द प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन गुड अफेक्ट्स इट्स प्राइस इलास्टिसिटी, गुड्स दैट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम टेंड टू हैव मोर इलास्टिक डिमांड। वही बात बोली गई कि जो चीज आपके आपके कंट्रोल में है, जो चीज आप खरीद सकते हैं उसकी इलास्टिसिटी के तो आप इन्फ्लुएंस कर ही सकते हैं, राइट? आपके पास जैसे कि कोई एंड्रॉयड का फोन लेना है, वो आपके कंट्रोल में है कि आप उसको ले सकते हैं कभी भी, 20-25-30 हज़ार तक चलो आपने फोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी सैलरी अगर 40-50-60 हज़ार रुपए है तो आप आराम से उसको ले सकते हैं, तो आपका जो इलास्टिसिटी है वो उसमें चेंज होगा, वो इलास्टिक होगा, उसकी प्राइस जो होगी वो इलास्टिक होगी क्योंकि वो अफोर्डेबल है। अगर उसकी प्राइसेस जैसे ही घटेगी आप उसको खरीद लेंगे, है ना? तो आपका इनकम जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे है। फॉर इंस्टेंसेस इफ द प्राइस ऑफ गैसोलीन राइजेस कंज्यूमर्स में रिड्यूस देयर ड्राइविंग सिंस फ्यूल कॉस्ट रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ देयर बजट, है ना? अगर गैसोलीन जो जो हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, इसका अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी जो जो हम लोग यूज करते हैं उसको उसको हम लोग कम कम कर देंगे। कंज्यूमर्स मे रिड्यूस देयर ड्राइविंग, है ना? उसके हो सकता है कि आप अपने ड्राइविंग को थोड़ा कम कर दें जिससे जो आपको जो कॉस्ट है वो आपके आपका बच जाए, क्योंकि अगर आप वही सेम बना हुआ रहेगा तो आपका जो बजट है वो बिगड़ जाएगा, आपके बजट के ऊपर उस चीज का असर हमें देखने को मिलेगा। तो आप कितना इनकम कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फिर कितना खर्च कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। चौथा है टाइम होराइजन, ठीक है, इसको थोड़ा देखना होगा। टाइम होराइजन जनरली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बोला जाता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में, बट उसका किस तरीके से असर है हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उसको देख लेते हैं। आई थिंक ये उस तरीके से होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखना किसी चीज की प्राइसेस घट जाती है, जैसे कि अभी बिग बिलियन डेज या फिर अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाला है, तो उसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 महीने या 15 दिन के लिए क्या होगा, प्राइसेस जो है काफी ज्यादा घट जाएंगे। ठीक है, तो डिमांड इलास्टिसिटी कैन चेंज ओवर टाइम, जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो समय के साथ चेंज होते रहता है। इन द शॉर्ट रन डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स मे बी इनइलास्टिक बिकॉज कंज्यूमर्स कैन नॉट इजिली एडजस्ट देयर बिहेवियर, ठीक है ना? शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो जो डिमांड है किसी भी सर्टेन प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा इनइलास्टिक होता है, जब उसकी प्राइसेस घटती हैं तो आप उसको जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा खरीद लें या मतलब ज्यादा खरीदें, कई बार होता है कि आप नहीं खरीदते हो और कम खरीदते हो, ठीक है ना? तो इनइलास्टिक हम लोगों को देखने को मिलता है क्योंकि आपका बिहेवियर उस तरीके का है। हाउएवर अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो आपको इसका ठीक उलट देखने को मिलेगा, कंज्यूमर्स मे फाइंड ऑल्टरनेटिव्स और चेंज देयर हैबिट्स। अब कोई चीज का प्राइस एकदम अगर घट जाए और लगातार वैसा ही बना हुआ रहे तो देखना आपके हैबिट में चेंजेस होने लगेगा। हालांकि नमक वाला एग्जाम्पल अभी मैं नहीं दे सकता क्योंकि नमक वाला तो खैर नमक लोग जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना ही करेंगे, बट उसी तरह का कोई अगर प्रोडक्ट है जो कि प्राइस नेसेसिटी वाला चीज है, हमेशा आपको उस चीज की जरूरत पड़ती है ना, और अगर प्राइसेस लगातार ही कम बनी रहे तो आपका देखना जो चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा वो देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप सामान थोड़ा सा ज्यादा खरीदने लगे या थोड़ा सा कम खरीदने लगे, वो चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलता है ओवर टाइम, लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन में वो देखने को मिलता है। और ऑल्टरनेटिव्स भी आप ढूंढ सकते हैं कि उससे बेहतर क्या है भाई। चलो नॉर्मल सॉल्ट का प्राइस गिर गया तो टाटा सॉल्ट का प्राइस क्या है,
ठीक है, तो जो बेटर ऑप्शन है वहां पे वो आप चूज करने की कोशिश करते हैं टू फाइंड। यहाँ पे बोला गया कंज्यूमर्स मे फाइंड ऑल्टरनेटिव्स और चेंज देयर हैबिट्स, आप हैबिट्स में भी बदलाव कर सकते हैं मेकिंग डिमांड मोर इलास्टिक, ताकि आप डिमांड को ज्यादा से ज्यादा इलास्टिक बना सकें। अब एक ही प्रोडक्ट का देखना, बहुत सारा कंपनी जो है सामान बेचता है, कुछ का क्वालिटी अच्छा होता है, कुछ का क्वालिटी खराब होता है। अब अगर कॉन्टिन्यूस किसी चीज का प्राइस घटा हुआ है, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे कि आप जो अच्छा प्रोडक्ट होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसका बात लोग ज्यादा करते होंगे, आप उसको खरीदोगे, है ना? तो आपके हैबिट में देखना वो बदलाव होने लगेगा। बट इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर्स मे माइट बाय मोर फ्यू। अच्छा सॉरी, ये तो अलग हो गया। कहाँ था मैं? हाउएवर इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर्स मे फाइंड ऑल्टरनेटिव्स और चेंज देयर हैबिट्स मेकिंग डिमांड मोर इलास्टिक। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे इन शॉर्ट रन डिमांड फॉर गैसोलीन मे बी इनइलास्टिक, डिमांड फॉर गैसोलीन जो है वो इनइलास्टिक हो सकता है। बट इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर्स माइट बाय मोर फ्यूल इफिशियंट कार्स और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये एक हमें एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, इसको भी आप याद करके रख सकते हो। ठीक है, कि जो डिमांड ऑफ गैसोलीन है अगर वो इनइलास्टिक है, नेसेसिटी वाला चीज है, वो चीज हमको चाहिए, उसकी प्राइसेस अगर घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी मान लो, तो आप क्या करोगे? आप उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करने लगोगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप क्या करोगे, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो आप ऐसी गाड़ियां खरीदना स्टार्ट कर दोगे जो कि फ्यूल एफिशिएंट होगा, जिसकी माइलेज ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना? तो वो लॉन्ग रन में बोला जा रहा है कि उस तरह के चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। या फिर आप क्या करोगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करोगे। चलो कार से जाता ही नहीं हूं मैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले लेता हूँ, कार पूल कर लेता हूँ, जो भी। ठीक है, लग्जरी वर्सेस नेसेसिटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोगों ने किया था नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी? सर, लग्जरी वर्सेस नेसेसिटी है, वही चीज है, यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, बस आगे पीछे कर दिया गया। आई डोंट नो इस पॉइंट को वापस से देने का क्या मतलब बनता है। खैर, लग्जरी गुड्स ऑफन, इसको मैं नहीं करा रहा, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है? ये खास ओके है, सेम ही है। ठीक है, छठा नंबर पॉइंट है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है अभी? तो गुड्स विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी ऑफन हैव इनइलास्टिक डिमांड बिकॉज कंज्यूमर्स आर लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस, है ना? अब जिसकी ब्रांड लॉयल्टी काफी ज्यादा होगी, गुड्स विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, लॉयलिटी गुड्स विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, जो लॉयल्टी एज इन आप किसी चीज को लेकर के लॉयल हो, कि आपको उसी चीज को उसी चीज के सामान को खरीदना है, उसी कंपनी के सामान को खरीदना है। अब सेम सामान बहुत सारी कंपनीज बेच रही है, लेकिन आप इतने लॉयल हो किसी प्रोडक्ट को लेकर के कि आप उसी कंपनी के उस ब्रांड को आप लोगे, आप किसी और कंपनी की तरफ जाते ही नहीं हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ठीक है, मतलब आप उसके उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब कोई किसी को टाटा बहुत पसंद है, टाटा की चीजें खाना पसंद है, टाटा का ग्रोसरी सपोज आपको टाटा संपन्न जो आता है वो आपको लेना पसंद है, तो बाकी सारी जो कंपनीज है, सनफीस्ट हो गया, फिर अलग अलग जो ब्रांड्स हो गए, वो उस पर आपको ध्यान नहीं है। टाटा के प्राइसेस बढ़े या घटे, आप हमेशा टाटा का ही लेना चाहोगे, है ना? तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है कि आप उसके प्राइस चेंज को लेकर के लेस रिस्पॉन्सिव होते हो, मतलब आप अपना हैबिट नहीं छोड़ते, आप कोई चीज को ले रहे हो, मतलब उसी चीज का मुझे चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, तो इसको बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी, है ना? जैसे मुझे एमआई बहुत पसंद है, चाइनीज है बट एमआई मुझे पसंद है, क्योंकि एमआई का जो प्रोडक्ट वगैरह है वो थोड़ा अच्छा होता है, मेरा लैपटॉप भी इवन एमआई का है, जो भी हो, तो एमआई इज मुझे लगता है कि इसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा रहता है बाकी सारे चाइनीज मोबाइल के मुकाबले, चाहे ओप्पो हो या वीवो हो, हालांकि मेरा फोन तो अभी ओप्पो वाला हो गया कोई नहीं। तो वो बात है कि आपका जो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो जाता है किसी एक ब्रांड को लेकर के, आपका एक भरोसा बन जाता है कि नहीं, ये ब्रांड जो है अच्छा है, किसी को एप्पल ही पसंद है, उसको कोई और चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो वो चीज है, दे मे प्रेफर अ स्पेसिफिक ब्रांड एंड बी विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर इट। वही बात है कि आप किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को लेना चाहेंगे और आप उसके लिए प्रीमियम अमाउंट भी पे करने को तैयार हैं, ऐसा मतलब लॉयल्टी आपका क्रिएट हो गया। मेरा ऐसा लॉयल्टी नहीं है, जब कई लोगों का होता है कि नहीं ये प्रोडक्ट ही खरीदना है। अब जैसे मार्केट में कोई इंडियन स्मार्टफोन है नहीं, अगर कोई इंडियन स्मार्टफोन अच्छा होता तो डेफिनेटली हम लोग उसी चीज के ऊपर ज्यादा लॉयल होते, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करता और वो इंडियन भी होता, लेकिन मार्केट में इंडियन फोन है ही नहीं, एक माइक्रोमैक्स है, वो भी लोग लेते नहीं क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो एक इशू है। जो भी, तो कई बार लॉयल्टी इतनी एक्सट्रीम होती है कि लोग प्रीमियम प्राइस पे करने को भी रेडी होते हैं किसी एक चीज को खरीदने के लिए, वो बात यहाँ पे बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल लॉयल एप्पल, अच्छा चलो एप्पल का ही एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लॉयल एप्पल फोन यूजर्स मे बी लेस सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीज कंपेयर टू यूजर्स ऑफ देयर स्मार्टफोन ब्रांड्स। 1.5 लाख के फोन लोग खरीद रहे हैं, आपको लगता है कि इन लोगों को प्राइस का कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं है,
ये लोग खरीदेंगे ही, एप्पल ही खरीदेंगे, चाहे लो मतलब थोड़ा कम फीचर वाला हो लेकिन लेंगे एप्पल ही, ठीक है। सो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है, और एप्पल के साथ सबसे बड़ा खासियत यही है कि उसकी ब्रांड लॉयल्टी बन गई है। सिक्योरिटी के मामले में उससे अच्छा फोन पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है, उसका सिक्योरिटी बहुत ही फाड़ू है। सो छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट है परसीव्ड नेसेसिटी, परसेप्शन ऑफ गुड्स नेसेसिटी कैन इन्फ्लुएंस डिमांड इलास्टिसिटी। जो गुड्स की नेसेसिटी होती है वो आपके डिमांड इलास्टिसिटी को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। और यहाँ परसेप्शन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप खरीद ही रहे हो, पर आपका एक परसेप्शन बना हुआ है मार्केट में, एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या इसका प्रोडक्ट जो है लॉन्ग रन में अच्छा होता है जो भी, तो उसके कारण उसकी इलास्टिसिटी में हम लोगों को जो है चेंजेस देखने को मिलता है, या उसके कारण वो इन्फ्लुएंस होता है। फॉर इंस्टेंस, सम कंज्यूमर्स में परसीव ऑर्गेनिक फूड एज नेसेसिटी, है ना, लोग परसीव करते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो काफी अच्छा होता है, तो ऑर्गेनिक फूड की जो प्राइसेस होती है वो भी ज्यादा होती है, तो वो उसमें जो जो उसकी इलास्टिसिटी है उसमें चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे ही उसकी प्राइसेस घटेंगी ना, लोग उसको ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लोगों को अपने हेल्थ की चिंता है, राइट। तो वो एक चीज है, फॉर हेल्थ रीजंस मेकिंग द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेस इलास्टिक, ठीक है, ये लेस इलास्टिक होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एसेंशियल फॉर बिजनेस टू मेक प्राइसिंग डिसीजन। वही बात बोली गई जो पिछले वाले लेक्चर में थी, फॉरकास्ट चेंजेस इन डिमांड एंड प्लान मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इफेक्टिवली। अब इसके कारण से हम लोग प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्राइसेस होनी चाहिए, जो चेंजेस हैं उसमें फॉरकास्ट कर सकते हैं कि आगे जाकर क्या क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं इसके डिमांड में, एंड उसको किस तरीके से आपको मार्केट में रन करना है उसके लिए आप स्ट्रैटेजी भी वगैरह बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके फैक्टर्स। ये उसके फैक्टर्स हम लोगों ने अभी किए हैं। इट हेल्प देम असेस हाउ कंज्यूमर्स आर लाइकली टू रिएक्ट टू प्राइस चेंजेस एंड एडजस्ट देयर स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करता है बिजनेसेस को भी और कंज्यूमर्स को भी, किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे किसी भी तरह का प्राइस चेंज जब हम लोगों को देखने को मिलेगा, और अपने स्ट्रेटेजीज में वो बदलाव भी लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चेंजेस भी लाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, ये दूसरा लेक्चर था। कोई क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग? नो नो सर, सर, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे जो कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा, सो इसको अच्छे से करना। एंड हाँ आप लोगों को कौन सर, कौन सा पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है, MCO 22, और कौन सा शेयर किया है याद है? देखी नहीं है सर, चेक नहीं की है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मैं भी चेक कर लेता हूँ थोड़ा। एक और पीडीएफ मैं सून ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो तीन पेपर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, उसको जब भी मौका मिले थोड़ा बहुत करके स्टडी करते रहिए। अब तो असाइनमेंट का भी काम पूरा हो गया है, किशन का बाकी है बट यस सर, हो जाएगा। असाइनमेंट तो मैंने सबमिट कर दिया। हाँ आपने तो बताया था, किशन का बाकी है, किशन भी करके आप भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्टडी वगैरह आप खुद से जो है थोड़ा बहुत जितना हो सके कीजिए, एंड क्लासेस हाँ जैसे होती हैं वो तो हाँ होंगी ही, यस सर। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म का मतलब 15 अक्टूबर तक डेट है ना सर, लेट फाइन के साथ या तो ऐसे ही विदाउट लेट फाइन? विदाउट लेट फाइन 15 अक्टूबर तक है, उसके बाद आपको लेट फाइन पे करना पड़ेगा। तो 15 अक्टूबर सफिशियंट टाइम है, आप इत्मीनान से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 15 दिन है। ओके सर, तो आज सोच रहे भर ले सर, ऐसे लेट बिना लेट फाइन के तो सर 15 अक्टूबर तक डेट है ना। हाँ अभी तो डेट है, अभी डेट है, आप अगर चाहें तो आज भी भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, ठीक है, वो आपके ऊपर है। टाइम अभी बहुत है, 15 दिन है, हड़बड़ी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग थोड़ा सा वेट करते हैं इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पेपर वो लोग दे दिए हुए होते हैं उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है, वो सोचते हैं कि अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ अगर हो जाए तो वो दोबारा से उस फॉर्म को फिलअप कर सके। बट एक ऑप्शन अभी आगे है कि आप चाहें तो, सपोज अभी आपने 4 पेपर का फॉर्म फिलअप किया और 4 पेपर का रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो उसका जब रिजल्ट आया तब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, लेकिन जो जो टाइम पीरियड है विदाउट लेट फी वाला उसके पहले ही करना होगा। तो वो आपके साथ तो वैसा कोई इशू है नहीं, आपको तो फ्रेश ही अप्लाई करना है, तो जब भी मौका मिले आप कर यस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक है। सर और ओके देन, तो डिटेल्स, सर वो डिटेल्स तो सारा सही था ना सर, बस एमकॉम नहीं डाले थे, बाकी सारा तो है ही उसमें मेंशन। वही होगा, वही होगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है ना, जो MCO 6 या फिर जो भी सब्जेक्ट है, ये किसी और कोर्स में नहीं है, वो एमकॉम में ही है, तो जो टीचर होगा, प्लस सर आपने
आपने अपने क्वेश्चन पेपर भी उसमें डाला हुआ है, क्वेश्चन पेपर में तो क्लियरली मेंशन है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, जी सर, क्वेश्चन पेपर आइडेंटिटी कार्ड सारा सब उसमें कुछ डाला दिया है हुआ है। आपने। हाँ, कोई इशू वाली बात नहीं, जी ठीक है। ओके और सर, शाम में क्लास करते हैं फिर, ठीक है, डिस्कस करके हम लोग वही 7 साढ़े 7 तक या 8 बजे तक करेंगे क्या? चले सर इवनिंग में चले, क्लास 8 8 बजे के बाद ही करते सर, मतलब 8 बजे से, क्योंकि उसके पहले फिर हम फ्री नहीं है। ठीक है किशन, 8 बजे कर करें फिर, कोई दिक्कत? ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है फिर 8 बजे करते हैं फिर, एग्जैक्ट। ओके ओके गाइस, सर, ओके, ठीक, बाय। ठीक, बाय सर।